मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक आँख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे, इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? इस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय में जो कहना चाहता था वो मैंने आज कह दिया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया, और वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। उसके कुछ सालों बाद वही मैंने शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन यही खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे, यो कौन है? तो मुझे कहना पड़ा कि यो मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर रही हो। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने उन्हें डांटते हुए कहा। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरी घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वो चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था, और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से छूट कहा कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर झोपड़ी में गया। मैं वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। यह सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा था, शायद वो मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम यो अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चर्य किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख से मैं बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी। और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। इतनी
जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। यो सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए दिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका। किसी इंसान के अपंगता के लिए कभी उससे नफरत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ये हमें यो ज़िंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की।